नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं मोन्त्रा ई रिक्शा के बारे में। जैसा कि आपने भी कहीं ना कहीं ये प्रचार जरूर देखा होगा, कंपनी दावा करती है मार्केट में बसों में या फिर और बहुत सारी जगहों पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रखी है कि हमारी कंपनी की ई रिक्शा आप लेंगे तो एक चार्जिंग पे एक 203 किलोमीटर चलने वाली कंपनी की कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आज इसी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अभी तक जो इस सेगमेंट में इतनी प्राइस में जितनी भी ई रिक्शा आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाली, इतनी माइलेज तो नहीं देती है, ये मेरा दावा है, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जो कि हमने इसको देखा है चला करके और बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस भी लिया है इस गाड़ी के बारे में। और ये गाड़ी दोस्तों हमारे तमिलनाडु चेन्नई यानी कि इंडियन ब्रांड है, ये इंडिया की कंपनी है, मुरुगप्पा कंपनी द्वारा ये बनाया गया है। तो दोस्तों इसके प्राइस और फीचर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। तो यार दोस्तों में भी शेयर कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस सुपर ऑटो में दोस्तों बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिल जाएगी। जैसे कि बात कर ले डुअल बीम एलईडी हेडलाइट के साथ में ऐप कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। वहीं डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो 4.3 इंच की LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग भी मिल जाती है, लॉक के साथ साथ ग्लव बॉक्स, टेलगेट के साथ रियर ग्लेस केबिन आदि भी शामिल है इस गाड़ी में। पावर की बात कर ले तो दोस्तों 60 Nm पीक टॉर्कियो के साथ में देखने को मिल जाती है। वही टॉप स्पीड की बात कीजिए तो एक घंटे में आप 55 किलोमीटर चला पाएंगे। और वहीं इसकी बैटरी जो देखने को मिलती है दोस्तों 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। वहीं दोस्तों इसकी माइलेज जो एक्चुअल निकल के आती है, हमने जो देखा अभी तक का इसकी माइलेज निकल के आती है 160 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर तक आप बहुत ही आराम से चला पाएंगे। लेकिन कंपनी दावा करती है 203 किलोमीटर, ये एडवर्टाइजमेंट, लेकिन दिखता कुछ और बिकता कुछ और। गाड़ी में कई सुरक्षित ड्राइव मोड भी उपलब्ध हैं दोस्तों, बेहतरीन ड्राइव अनुभव के लिए जैसे इको ड्राइव मोड, पावर और रिवर्स मोड भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कार वाली फीलिंग आपको देखने को मिल जाती है, पार्क असिस्टेंट मोड भी इसमें उपलब्ध है। अरे ड्राइवरों के लिए बहुत अच्छी सुविधा ये भी लेके आई है, जैसा इसका एक ऐप है, ऐप के थ्रू आप अपनी रोज की कमाई, बैटरी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख पाएंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रिक रूप में एक ही स्थान पर बनाए रखने में बहुत सारी मदद करता है। 13 HP पावर के साथ में स्टील बोरन चेचिस देखने को मिल जाते हैं, बाकी बहुत समुद्री चेचिस को, कलर तो बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है इसमें। तीनों टायर आपको देखने को मिल जाते हैं 375 की, और वहीं इसकी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। 3 पैसेंजर के साथ में एक ड्राइवर, बहुत ही आराम से आप स्मूथली गाड़ी चला पाएंगे 55 किलोमीटर की स्पीड से। वहीं दोस्तों प्राइस जो निकल के आती है इसकी, अभी तक का जो देखा गया 3,15,000 से लेकर 3.5 लाख तक की पड़ने वाली। वहीं आपने अभी तक अदर इंडिया में बहुत कम देखने को मिला, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छे से और स्मूथली गाड़ी ये चल रही, लेकिन बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाले अदर गाड़ियों को लेकर के आपने भी बहुत सारी गाड़ियाँ देखा होगा, लेकिन इतनी माइलेज अभी तक किसी गाड़ी में आप नहीं पाए होंगे। सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली, अभी तक की भारत की नंबर 1 माइलेज देने वाली गाड़ी बन चुकी है मोन्त्रा। बात कर ले मोन्त्रा ई रिक्शा जो है 3 वेरिएंट में पेश किया गया है। पहला दोस्तों है इसमें बेस EPV मॉडल, और दूसरा है मिड वेरिएंट EPV 2.0, और टॉप दोस्तों देखने को मिल जाती है टॉप वेरिएंट वाली EPXi की। वहीं दोस्तों बात कर ले, बहुत लोगों का ये भी दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम ये EMI पे लेने जाएंगे तो कितने की मिलेगी, कमेंट करके आप लोग ये चीज पूछेंगे तो बहुत जरूरी है, आप इस चीज को बारे में जानकारी भी दे दूं थोड़ा सा। आप अगर जाएंगे जैसा कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर और अपने सिटी में ये पता करेंगे कि 25,000 से लेकर के 50,000 तक का डाउन पेमेंट आपको देना होगा, और वही है कि आपके वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है और कितना डाउन पेमेंट में मिलने वाला है। तो दोस्तों प्राइस की बात कर ले, सबसे लास्ट में जो प्राइस निकल के इसकी आती है 3,15,000 से लेकर 3.5 लाख तक की ये गाड़ी पड़ने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया, और कुछ कमी आपको अगर इस वीडियो में लगा हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।